गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन 9th। इसमें सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास? कोसेक ए माइनस साइन ए है, ठीक है, और यहाँ पे है सेक ए माइनस कोस ए। तो इसमें कोई भी फार्मूला यूज नहीं हो पा रहा, तो इसमें मैं कहता हूँ कोसेक को साइन में और सेक को कोस में चेंज कर लेता हूँ। हमें पता है कि कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1/sin। ऐसे ही साइन है एज इट इज़, ठीक है। सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो 1/cos A माइनस कोस ए, ठीक है। दोनों साइड एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा आपका 1 - sin² A आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो ये हो जाएगा कोस ए और ये हो जाएगा 1 - cos A कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है कि 1 - cos² A आपका sin² A होता है, ठीक है, और 1 - sin² A इक्वल टू आपका cos² A होता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, तो इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 - sin² A को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं किसके द्वारा? cos² A के द्वारा। तो रिप्लेस करते हैं cos² A, ठीक है, नीचे साइन ए एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा इनटू 1 - cos² A को, 1 - cos² A को sin² A के द्वारा sin² A, ठीक है। अब नीचे मेरा कोस ए, तो ये साइन से ये साइन, कोस से ये कोस कट गया, तो मेरे पास बचेगा कोस ए डॉट साइन ए, ठीक है। अब मुझे मेरी क्या है जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं मैक्सिमम सोल्व कर चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 tan क्या होता है आपका? साइन ए ओवर कोस ए। ऐसे ही कोट क्या होता है? कोस ए ओवर साइन ए, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या नीचे एलसीएम क्या आएगा? कोस ए डॉट साइन ए, ठीक है। कोस से कोस कटा तो साइन के साथ मल्टीप्लाई, तो sin² A प्लस, ऐसे ही साइन से साइन कटा कोस की कोस के साथ मल्टीप्लाई, cos² A, ठीक है। तो 1 sin² A प्लस cos² A क्या होता है हमारा? 1 होता है, ठीक है। और यह आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास आएगा कोस ए इंटू साइन ए। ये हमारी क्या की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुके हैं। दिस इज 10th एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसमें इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ये 3 फार्मूले याद होने चाहिए। एक तो होता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक होता है लास्ट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये 3 जो फार्मूले हैं ये मोस्ट यूज्ड आइडेंटिटी हैं, ठीक है, और ये बार बार यूज़ होंगी, तो इनको ज़रूर याद करें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो 1 + 10² A, 1 + 10² A, इस 10² को इधर लेके जाऊंगा तो 1 + 10² A किसके इक्वल हो जाएगा? sec² A, ठीक है। ऐसे ही 1 + cot² A को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं cosec² A, ठीक है। अब मेरा जो sec² A होता है उसको लिखता हूँ 1/cos², ठीक है, और cosec जो होता है होता है 1/sin². अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो रेसिप्रोकल करो 1/cos² A, ठीक है। तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आएगा sin² A 1, तो ये मेरा आ जाएगा sin² A / cos² A, दैट इज 10² A, ठीक है। और ये मुझे
राइट हैंड साइड लेके आने थे। अब इसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, इस पार्ट में भी इसको सोल्व करके आपको 10 square a लेके आना है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब मैं 10 को साइन कोस में और कोट को भी साइन कोस में चेंज करता हूँ। तो 1 - 10a क्या होता है आपका साइन ए ओवर कोस ए, ठीक है। और ऐसे ही आपका 1 - cot a 1/1 कोट क्या हो जाएगा आपका कोस ए ओवर साइन ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो कोस ए तो ये हो जाएगा कोस ए, सॉरी स्क्वायर लिखना तो बोलेगा ये कोस ए माइनस साइन ए, एंड नीचे एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा साइन ए, तो हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। तो इसको मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका क्या कोस ए माइनस का साइन ए ओवर कोस ए। तो इसको पलट दिया मैंने तो ये हो जाएगा साइन ए नीचे आ जाएगा वो साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू आपस में कट रही है, पर इसमें क्या हुआ केवल माइनस का डिफरेंस है, तो ये कटेंगे तो ये माइनस वन आ गया। तो आपके पास बचेगा माइनस का साइन ए ओवर कोस ए का होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर। और इसको मैं लिखता हूँ टेन स्क्वायर ए, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। थैंक यू।